हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अविनाश हेयर केयर में। तो दोस्तों, आज एक हम एकदम पतले यानी थिन हेयर पे एक मल्टी स्टेप हेयर कट देखने वाले हैं। तो बहुत लोगों का मुझे कमेंट में था कि थिन हेयर पे कोई लेयर कट या स्टेप कट दिखाओ। तो दोस्तों, ये मल्टी स्टेप का हेयर कट हम करने वाले हैं इनके बालों पे, जिनके काफ़ी पतले हेयर हैं। तो आप देख सकते हो इनके बाल कितने पतले हैं। तो पहले हम इन बालों के ऊपर वन लेंथ करके लेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड ग्रेजुएशन और देन हमारा नॉर्मल जो लेयरिंग का टेक्निक है वो मैं आपको इस हेयर कट में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये पहले मैं वन लेंथ करके ले रहा हूँ। तो अब देखते हैं धीरे धीरे मैं कैसे कैसे हेयर कट करता हूँ। जब मैं एक्चुअल लेयरिंग स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी देर के बाद, जैसे आप वीडियो आगे देखोगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो तब तक देखते रहिए ये वीडियो। यहाँ पे दोस्तों, हम लोग फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जो है, यानी जो हमारा फेदर हेयर कट है वो करके लेने वाले हैं। तो आप देख रहे हो उनके बालों के ऊपर मैं फेदर हेयर कट कर रहा हूँ, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें मैं पहले गाइडलाइन डिसाइड कर रहा हूँ चिन तक, और उसके बाद सारे बालों को मर्ज कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मर्ज करूँगा तो आपको ये वीडियो देखने मिलेगा कि मैं कैसे मर्ज कर रहा हूँ और कैसे फेदर हेयर कट कर रहा हूँ। तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन हेयर कट स्टार्ट होता है। यहाँ से आप बॉक्स सेक्शन लेके इसे आगे की तरफ डायरेक्शन करते हो, वो डायरेक्ट करना है आपको, और उसके बाद इसको कट करना है। इससे क्या होगा, थैंक को एक लेंथ फिक्स कर रहे हैं और उसके लेयर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, याद रखना है आपको इसे पूरे बालों को आगे साइड लेना है। उसके बाद इसका मैं डिवाइड करूँगा और सेम सारे बालों को ऊपर लेके आगे के साइड थोड़ा सा कर्व करते हुए लाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने आगे लिया, गाइडलाइन देखी और उसके बाद मैंने चॉप कर दिया। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बालों में एक वॉल्यूम रहता है, लेयर भी अच्छे आते हैं और एक वॉल्यूम क्रिएट होता है उनके बालों में। ऑलरेडी थिन बाल रहते हैं, उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट होता है। देखो, मैं ओवर डैप करके आगे की तरफ ला रहा हूँ। इसे आपको ज़्यादा लेयर्स मिलेंगे और जो है काफ़ी वॉल्यूम के साथ आप उनके बालों के ऊपर आएगा। कैसे दिखते हैं, बहुत लोग ब्लो ड्राई करते हैं, ब्लो ड्राई के ऊपर फिर वो अच्छा ही लगता है। बट ये हेयर कट में मैं आपको विदाउट ब्लो ड्राई इनके बालों के मैं
अच्छे से लेयर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो देखते रहो, बस आपको याद रखना है कि अभी सारे बाल ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ आके कट होने वाले और पीछे के बाल भी सेम आगे की तरफ आगे ही कट होने वाले हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहो, आगे आपको और ये चीज़ें मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैंने कैसे आगे बालों को लेके ऊपर लेके कट किया है, सेम गाइडलाइन फॉलो किए है। तो आपको अभी ये नेचुरल लुक देखने मिलेगा कि कैसे लेयर दिख रहे हैं दोस्तों। अगर देखो ये कितने अच्छे लेयर्स आ रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, बीच बीच में कितने अच्छे लेयर्स लग रहे हैं, वॉल्यूम दिख रहा है, उनके बाल कितने थिन थे, आपने प्रीवियस उनके देखा है कि कैसे बाल थे उनके, और अभी देखो कितने अच्छे लेयर्स आ रहे हैं, मल्टी स्टेप्स आ रहे हैं, लेयरिंग अच्छी हुई है बालों में, और कितना अच्छा वॉल्यूम है, और कितने कितना प्रॉपर आपको ये हेयर कट दिख रहा है। तो दोस्तों ये हेयर कट आपने देख लिया, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द सीखो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है, अगर वो क्लच भी करेंगे या खुले भी छोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए अविनाश हेयर केयर।